तो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष कमर बाजवा से भारत को सतर्क रहने की हिदायत दी है। विक्रम सिंह ने कहा है कि कमर बाजवा के आने के बाद अगर पाकिस्तानी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव आता है तो भारत को सतर्क रहने की जरूरत होगी। दरअसल कमर बाजवा विक्रम सिंह के साथ संयुक्त राष्ट्र में एक असाइनमेंट पर काम कर चुके हैं। विक्रम सिंह के मुताबिक बाजवा बहुत पेशेवर और अपने काम को लेकर काफी चुस्त हैं। विक्रम सिंह के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में काम करना और देश की सेना के लिए काम करना दो अलग अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई देश की सेना में रहता है तो उसके लिए देश सबसे पहले आता है। विक्रम सिंह ने उम्मीद जताई है कि बाजवा के निशाने पर पाकिस्तान के चरमपंथी होंगे, न कि भारत जैसा कि वो सार्वजनिक रूप से कई बार कह भी चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह लगातार बने हुए हैं। अरुण सिंह, इस तरीके का बयान विक्रम सिंह की ओर से, जो खासा साथ रह चुके हैं, उनको बहुत करीब से उन्होंने जाना है, और ऐसा वो अगर कह रहे हैं तो वाकई क्या भारत के लिए कोई खतरा है? देखिए, भारत की सेना का जहां तक सवाल है, सेना हमेशा ये कहती है कि किसी भी तरह का खतरा हो एक्सटर्नल, उससे निपटने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। और हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की स्थिति है, भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। विक्रम सिंह पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी बात को यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता, लेकिन उस बात को लेकर के भी भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। जिन बातों की तरफ इशारा विक्रम सिंह कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विक्रम सिंह के पास जो अनुभव है उसका भारतीय सेना जरूर लाभ उठाती रही है और आगे भी उठाती रहती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि जो सेना अध्यक्ष हैं उनकी राय या उनका मशवरा जो वर्तमान सेना अध्यक्ष हैं वो नहीं लेते हैं। इस तरह के चैनल होते हैं जिससे सब लोग मिल बैठ करके रणनीति बनाते हैं। तो जाहिर तौर पर विक्रम सिंह जो कह रहे हैं उसका संज्ञान भारत की सेना लेती रही है और लेती रहेगी। अरुण, लेकिन यहाँ पर सवाल यही एक बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम सशर्त बात करने के लिए तैयार हैं, हम आगे आने के लिए तैयार हैं, भारत मौका नहीं दे रहा है, और रणनीति उनकी जो दिख रही है पीछे वो ऐसी दिख रही है कि वो कहीं भी सुलह के तौर पे नहीं दिख रहा है, कहीं भी बातचीत का दौर आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है। देखिए, पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है और इसलिए वो एक तरफा नीति नहीं अपना सकता। उसको हमेशा ये दिखाना पड़ता है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, वो तो हिंदुस्तान की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, हिंदुस्तान ही पीछे उठ रहा हट जा रहा है। हिंदुस्तान के लिए मुश्किल ये होती है कि एक तरफ तो वहां की सरकार, जो निर्वाचित सरकार है, वो बातचीत करती है, लेकिन सेना चूंकि उसके काबू में नहीं, और सेना जो हरकतें हैं वो सीमा पर न सिर्फ करती रहती है बल्कि आतंकियों को भी हिंदुस्तान की तरफ धकेलती रहती है, उनको इन्फिल्ट्रेट कराती रहती है। और इसलिए भारत सरकार का ये कहना है कि बातचीत और आतंक दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता है। चुनी हुई जो सरकार है वो बातचीत करती है, सेना उस बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश करती है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है वो भी है। तो हिंदुस्तान को दो मोर्चे पर पाकिस्तान से निपटना पड़ता है और यही मुश्किल हिंदुस्तान की, यही मुश्किल। चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब सुनते हैं कि इस पूरे मसले पर रक्षा विशेषज्ञों की क्या राय है। ये जो बाजवा है ये सिलेक्शन है नवाज शरीफ का और राहिल शरीफ का, इसलिए ये वही पॉलिसी चलाएंगे जो राहिल शरीफ की थी, नवाज शरीफ की थी। इसका मतलब ये है कि कश्मीर का एजेंडा ये चलाते रहेंगे और इनकी जो पॉलिसी रहेगी ये काफ़ी ऑफेंसिव रहेगी। दूसरी बात ये है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है इसके बारे में जो सही बदला लेना था उनका, वो राहिल शरीफ ने लिया नहीं, और वो शायद बाजवा जो है ये लेने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें काफी होशियार रहना चाहिए, पॉलिसी उनकी वही रहेगी। देखिए, बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब जो थे वो डार्क हॉर्स माने गए थे इन चारों जो लेफ्टिनेंट जनरल थे पाकिस्तान में, और सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भाई वो बने हैं, उन्होंने कार्यभार संभालेंगे मंगलवार को पाकिस्तान आर्मी का। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो ये LOC के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो कम हो जाएगा, वो और एक बंद हो जाना चाहिए, और दूसरा जो ये शेलिंग वगैरह हो रही है और जो ये दूसरी चीजें करते हैं इधर बार बार, ये बैट एक्शन टीम वगैरह, वो भी बंद हो जाएंगी। ये जो आर्मी चीफ है ये नवाज शरीफ के साथ इनका बर्ताव बहुत बेहतर होगा बनस्पत राहिल शरीफ के, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उनका विचार जो है उनके मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो आज है वो उनके अपने एक्सट्रीमिस्ट हैं, ना कि हिंदुस्तान। अगर उनका वास्तव में बिलीफ वही है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है
वो टेररिस्ट से है, ना कि हिंदुस्तान से, तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए और इस एंटायर एरिया के लिए बहुत अच्छा होगा।